हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस मोबाइल होल्डर को बनाने वाले हैं और ये मोबाइल होल्डर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इससे मोबाइल जो है ज़रा से भी हिलता डुलता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कोई ट्राइपॉड बनाना चाहते हो या फिर कोई सेल्फी स्टिक बनाना चाहते हो तो आपको एक मोबाइल होल्डर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस लकड़ी की मदद से मोबाइल होल्डर को बनाने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए मेकिंग देखते हैं। तो इस मोबाइल होल्डर को बनाने के लिए दोस्तों, मैं ले रहा हूँ लकड़ी का टुकड़ा। इसकी मोटाई जो है फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास हमें इसके कुछ पीसेस कट करने होंगे। तो यहाँ पास मैं मार्किंग ले रहा हूँ। तो इस लकड़ी की जो लंबाई है दोस्तों, वो मैं रखने वाला हूँ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के मैं 2 पीस कट करूँगा। इसी टाइप से मैं एक छोटा सा लकड़ी और ले रहा हूँ और इसका भी लंबाई मैं रखूँगा 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको भी मार्किंग कर लेना है। और आप चाहो तो फ्रेंड काफ़ी हल्के लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका सेल्फी स्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट बनेगा। तो यहाँ पास मैं हैक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लिया हूँ इस टाइप के 4 पीस लकड़ी के। तो हमें दोस्तों इन्हें आपस में जोड़ना होगा। तो यहाँ पास मैं चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज़ कर रहा हूँ। आप जल्दी चिपकाओ ना चाहते हो तो दोस्तों, आप जो है फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पास मैं एक छोटे लकड़ी के टुकड़े को इस बड़े वाले लकड़ी के टुकड़े पर ऊपर में चिपका दूंगा। अब मैं इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से और मजबूती के साथ ये दोनों लकड़ी के टुकड़े चिपक चुके हैं। अब हमें इसमें होल बनाना है। तो यहाँ पास मैं मार्किंग ले रहा हूँ। तो इन दोनों होल की जो दूरी है फ्रेंड्स, वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास मैं मार्किंग करने के बाद इसमें होल बना दूंगा। तो होल बनाने की मैं एक छोटी सी ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसका ड्रिल मशीन का यूज़ दोस्तों मैं काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसे यूज़ करने में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लकड़ी के टुकड़े पर आर पार होल किए हैं और दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर मैंने आधा होल ही किया है। अब दोस्तों, हमें इस टाइप की लोहे की रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। इसे मैंने मोटरसाइकिल की जो स्पोक लगी होती है दोस्तों, उसमें से मैंने कट किया है और इनकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे हमें 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें इन दोनों रॉड को इस लकड़ी में जो होल बनाए हैं उसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पास यह बहुत अच्छे से फिट हुआ है। तो आप इसे और मजबूती से चिपकाने के लिए फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों, जो लकड़ी का दूसरा पीस है उसे हमें इसके अंदर लगा देना है। और यह बिल्कुल ढीला होना चाहिए दोस्तों, और यह ऊपर नीचे स्टेप से मूव होना चाहिए ताकि यह मोबाइल को अच्छे से पकड़ के रखे। अब दोस्तों, हमें इसकी थोड़ी फिनिशिंग कर लेना है। इसके लिए मैं सैंड पेपर का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर जो है लाइट चली गई है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो बाद में दोस्तों मैंने सैंड पेपर से कुछ इस टाइप से इसकी फिनिशिंग की है। जैसे कि जो मार्केट में मोबाइल होल्डर मिलता है ना दोस्तों, सेम उसी टाइप का मैंने इसे शेप दिया है, आकार दिया है। तो इस आकार की मदद से दोस्तों, यह मोबाइल को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखेगा और हिले डुलेगा नहीं। तो इसे आकार देने के लिए मैंने सैंड पेपर और पेपर कटर का यूज़ किया है। अब इस मोबाइल होल्डर के पीछे में हमें 2 स्क्रू लगाना होगा ताकि हम यहाँ पर स्प्रिंग लगा सके। और स्प्रिंग के दबाव की मदद से दोस्तों, यह मोबाइल को काफ़ी अच्छे से पकड़ कर रखेगा। तो स्प्रिंग जो है नहीं मिल सकता दोस्तों, तो इसका हम छोटा सा जुगाड़ करेंगे इस रबड़ बैंड से। तो हम कोई भी रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हैं, हमें 2-3 लगाना होगा। फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का रबड़ बैंड स्टेशनरी की दुकान पर मिलेगा 5 रुपये में, काफ़ी सारे। तो यहाँ पर दोस्तों, इस रबड़ बैंड को इस मोबाइल होल्डर के स्क्रू पर चढ़ा देना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ऊपर नीचे सरक रहा है, काफ़ी अच्छे से यह मूव हो रहा है। तो दोस्तों, यह बाहर निकल सकता है जब हम इसमें मोबाइल को अटैच करेंगे तब। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक छोटा सा जुगाड़ लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने एक कॉपर का वायर लिया है छोटा सा, और इस वायर को मैं इस रॉड के ऊपर सोल्डिंग कर दूंगा। आप कोई दूसरा जुगाड़ लगा सकते हो, बस ये लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से इस लकड़ी के टुकड़े को यहाँ पर सेट किया है, अब यह बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल होल्डर लगभग बन ही गया है। तो एक बार मैं इसमें मोबाइल लगा कर देख ले रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे से मोबाइल को होल्ड कर रखा है दोस्तों, और ज़रा से भी यह हिल डुल नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें स्क्रैचेज वगैरह पड़ सकता है। इसके लिए हम यहाँ पास फोम का टुकड़ा लगाने वाले हैं ऊपर नीचे दोनों साइड में।
तो इस मोबाइल होल्डर के दोनों पैनल पर मैंने डबल साइडेड टेप ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब हमें इसके ऊपर बस इस फोम के टुकड़े को लगा देना है, चिपका देना है। तो इस फोम की वजह से दोस्तों हमारे मोबाइल पर कोई भी स्क्रैचेज वगैरह नहीं आएगा और यह काफ़ी ज़्यादा और भी मजबूती के साथ मोबाइल को होल्ड करके रखने वाला है। तो आप भी इस टाइप का फोम ज़रूर से लगाइएगा। तो देख लीजिए, मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड में इस फोम के टुकड़े को लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस मोबाइल होल्डर के नीचे में कुछ इस टाइप का एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया है ताकि हम इसे किसी भी सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड में लगा सकें, और बीच में एक होल भी किया है स्क्रू टाइट करने के लिए। तो ये तो मोबाइल होल्डर लगभग बन ही गया है। तो चलिए हम एक छोटा सा सेल्फी स्टिक भी बना लेते हैं इस मोबाइल होल्डर से। तो यहाँ पास मैं एक इंची का पीवीसी पाइप ले रहा हूँ, इसकी जो लंबाई है 44 सेंटीमीटर है, और मैंने एक और एक इंची का पीवीसी पाइप लिया है जिसके बीच को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि दोस्तों ये एक इंची के पाइप के अंदर इस टाइप से फिट हो जाए। तो इसकी मदद से दोस्तों हम अपने सेल्फी स्टिक की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल होल्डर को यहाँ पास ऐड करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पास लगाया है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर में। तो यहाँ पास होल को मिलाते हुए हमें यहाँ पास स्क्रू लगाकर इसे टाइट कर देना है। तो दोस्तों, इस सेल्फी स्टिक को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आप भी इस टाइप से घर पर बना सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लो। अगर दोस्तों आपने ट्राइपॉड की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस ट्राइपॉड की वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आई बटन पर आपको लिंक ज़रूर से मिलेगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, यहाँ पास मैंने मोबाइल को इस सेल्फी स्टिक के ऊपर लगा दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों, सेल्फी स्टिक में एक बटन दिया होता है जिसे प्रेस करके हम फोटो जो है क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पुराना सा ईयरफोन लिया है, तो यहाँ पास हमें ईयरफोन को लगा देना है और इसमें छोटा सा स्विच दिया होता है फ्रेंड्स माइक्रोफोन के पास, तो उसका यूज़ करके हम जो है फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पास इस बटन को चिपका दिया हूँ इस पाइप के ऊपर। अब जो है हमारा सेल्फी स्टिक रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके टेस्टिंग पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेल्फी स्टिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइट वेट भी है। दोस्तों, जो हमने मोबाइल होल्डर लगाया है ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो ये मोबाइल को कहीं भी गिराएगा नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, इस सेल्फी स्टिक की लंबाई को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें लगे बटन को हम प्रेस करके फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर दो। अगर फ्रेंड्स आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।